अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और टेस्टी होता है। मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट है दाल। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 200 ग्राम हमने उड़द दाल ली है और 50 ग्राम हमने राजमा लिया है। इसको हमने अच्छे से धो लिया है ओवरनाइट सोक करके। इसको हम बॉईल कर लेंगे। और इसके तड़के के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया है, और ये सब हम तड़के में डालेंगे। 1 टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, इसके छिलके उतार लिए हैं हमने। 1 छोटी प्याज ली है, उसको भी बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4, इसको भी बारीक काट लिए। कद्दूकस कर लिया हमने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। और दाल मखनी कोई से मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून इसी मसाले का जाएगा। और जब दाल हमारी तैयार हो जाएगी, 1 ml हम दूध डालेंगे। मलाई नहीं डालती हूँ मैं, वैसे तो सब ज़्यादातर दूध की क्रीम या मलाई डालते हैं, मैं दूध डालती हूँ। गार्निश के लिए मैं डालूँगी मलाई सिर्फ, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और अदरक लंबी लंबी कटी। इसको हम बॉईल कर लेते हैं। 100 ml हमने पानी डाला है, 1 टीस्पून नमक का डालेंगे हम, और इसको अच्छे से घुमा के सीटी लगाएंगे। इसको अब हम सीटी लगाएंगे, 4 से 5 सीटियाँ लेंगे इसको। इसकी 20 से 25 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हमारी दाल गल चुकी है, लेकिन मुझे दाल बिल्कुल, ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है अच्छे से। इसमें मुझे पानी की थोड़ी कमी लग रही है। पानी डाल के मैं इसमें 100 ml इसमें पानी डाल के मैं 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखूँगी। 1 स्पून मैंने इसमें घी डाला है, 1 ही टेबल स्पून इसमें मैं मक्खन घी ऐड कर दूँगी। प्याज डालूँगी, और अदरक, इन दोनों को अच्छे से 1-2 मिनट भूनना है। टमाटर और हरी मिर्चें, इनको भी 1-2 मिनट सॉफ्ट करना है। टमाटर को जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, 1-2 मिनट ही लगेंगे सॉफ्ट करने में इसको। बस हो गए हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून दाल मखनी। मैं लगाऊंगी तड़का, इसके बाद मैं डालूंगी मिल्क। देखिए दाल गाढ़ी हो रही है थोड़ी, हमारी मिल्क डालने के बाद थोड़ी लिक्विड हो जाएगी। देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी मिल्क, और मिल्क डालते ही आप फौरन इसमें चमचा चलाइएगा, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। आप 1-2 मिनट स्लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक आप चमचा चलाते रहिएगा इस तरीके से, 1-2 मिनट तक चमचा चलाते रहिएगा ना। अगर नहीं चलाएंगे आप तो दूध फटने का डर रहेगा इसमें, और आपकी क्रीमी वाली जैसे क्रीमी एकदम दाल बनती है वो नहीं बन पाएगी। आप अच्छे से, हमने इसमें चमचा चला लिया है, आप इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। 5 मिनट हमें हो चुके हैं, इसमें हम ऊपर से ये अदरक और ये गरम मसाला डाल के, अब हम सर्व कर लेंगे इसको। 1-2 मिनट ढक के रख के इसके बाद हम सर्व कर लेंगे। दाल मखनी बनके रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये डिश।